भगवतो अरहतो नमो बुद्धय मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत ही खास कार्यक्रम धम्मदीप में आपका स्वागत करता हूँ दर्शकों जैसा कि आप देखते आए हैं कि हम बहुत दिनों से या जिसको कहें कि पिछले कई दिनों से हम लोग बौद्ध जीवन के बारे में आपको बहुत ही विशेष जानकारी दे रहे हैं और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बौद्ध पद्धति के बारे में या बौद्ध जीवन पद्धति के बारे में आपको बताएंगे और इसके बारे में हमारी विशेष जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी आपने बौद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बौद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का स्वागत है भंते जी नमो बुद्धाय आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभारती के स्टूडियो में नमो भगवतो सम्बु नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुध नमो तस्स भगवत अरहतो तो सम्बुध भंते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद दिया और साथ ही आपने हम उन्हें एक तरह से अनुग्रहित किया अब हम अपने मेन विषय पर आते हैं आज का मुख्य विषय है बौद्ध जीवन पद्धति के बारे में आप हमें विस्तार से बताएं बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी आज इस धमदीप कार्यक्रम में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे बौद्ध गया के बारे में बौद्ध गया एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और यह बिहार प्रदेश में आता है बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह बोधगया एक छोटा शहर है गया के नज़दीक बोधगया। गया यह स्थान किस लिए प्रसिद्ध हैं और क्यों दुनिया भर में प्रसिद्ध है यह बातें आज के इस धमादेषिना में हम लोग जानेंगे चूँकि आप जानते हैं कि बौद्ध बोधगया में तथागत गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था और वह निश्चित तौर पर एक बुद्ध बनने के ओर प्रयासरत थे और उनके बारे में यही बात कही गई थी जब उन्होंने उनतीस वर्ष की आयु में ग्रह का त्याग कर दिया और कपिल वस्तु के आश्रम में उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण की तभी उनके मन में एक ही लक्ष्य था ज्ञान की प्राप्ति करना सत्य को खोज निकालना और सर्वसुखी बनना उनके जीवन का एक ही उद्देश्य हुआ करता था लेकिन हम देखते हैं कि उनतीस वर्ष की आयु में घर छोड़ने के बाद लगातार वो अलग अलग आचार्यों के पास गए अलग अलग विहारों में गए शिक्षा के केंद्र में गए वहाँ पर उन्होंने कई सारा ज्ञान सीखा ध्यान साधना के माध्यम से उन्होंने कुछ अनुभव को प्राप्त किया और वो अनुभव कोई साधारण अनुभव नहीं थे वह मानव कल्याण का अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ जो कि जिसे हम बोधि प्राप्त कहते हैं तो यही वह बोध गया है जिनका जहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सम्यक समम बुद्ध बने थे उनकी तब आयु पैंतीस वर्ष की थी और पैंतीस वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया निर्वाण प्राप्त कर लिया और मनुष्य दुखों से कैसे मुक्त हो जाता है इसका उन्होंने उपाय खोज कर निकाला उस बौद्धग्रह जो कि आप जानते हैं कि जहाँ पर सम्यक बुद्ध बने होंगे तो वहाँ पर सभी लोगों का एक श्रद्धा स्थल है और ये श्रद्धा स्थल को 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज के नाम का दर्जा दिया चूँकि ये विश्व की विरासत है सिर्फ भारत नहीं। की नहीं इसव की विरासत है क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का धर्म पूरे संसार में फैला हुआ है आप देखेंगे कि कितने सारे ऐसे देश है जहां पर तथागत गौतम बुद्ध को मानने वालों की संख्या बेहद अधिक है बड़े पैमाने पर है और वही बातें वह जब वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसी बोधगया में वो चिंतन मनन करते हैं लगातार सात दिनों तक बोधि वृक्ष का अभिवादन करते हैं चिंतन मन करने के उपरांत उन्हें लगता था कि मैं किसे दीक्षा किसे दिशा दूँ मैंने ज्ञान तो खोज लिया है लेकिन ये ज्ञान बताऊँ या नहीं बताऊँ उनके मन में यही दुविधा रहती थी और उसके बाद उनका एक ही निर्णय था बताना चाहिए जितना ये मेरे लिए काम का है उतना दूसरों के काम का है और जितना जितना दूसरों के काम का है वह सभी के काम का है मानव के कल्याण का काम कल्याणकारी विचार का बताना प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है और इसलिए यह दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था सिद्धार्थ गौतम और बुद्ध जब वो बन जाते हैं तो ऐसा वही व्यक्तित्व के पास में आप देखेंगे तो वह एक ही रास्ता था ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण को प्राप्त करना लेकिन दूसरे अलग अलग शिक्षाओं को ग्रहण करें ये भी उनकी चाहत थी और निर्माण प्राप्ति करना उनके धर्म का मुख्य उद्देश्यों में से एक है अल्टीमेट गोल आप निर्वाण क्या है तो आप देखेंगे कि वो अल्टीमेट गोल और कोई नहीं तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को जानना जान करके उसको जीवन में उतारना और उसका अभ्यास करना और उसका प्रचार प्रसार करना यह मुख्य रूप से हमें ये बातें परिलक्षित होते रहती है जान ने के लिए हमें कहीं ना कहीं अवसर प्राप्त होता है इसलिए पूरी तरह से मानव सुखी बने इसका ध्यान तथागत गौतम तो बुद्ध ने सर्वप्रथम रखा और यह वही स्थान है उस काल में वहाँ पर एक गंगा की एक शाखा फलगु नदी वहाँ पर हमें उसके किनारे ही भदग गया में यह स्थान है और उस स्थान को बड़े मुश्किल से खोज करके सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के मूल और प्रमुख स्थानों पर उन्होंने बड़ी विरासत बौद्ध विहार का मुनासी का निर्माण करवा करवाया एक स्मारक बनवाया जो हमें दिखाई देते हैं उस समय की कला संस्कृति किस तरह से विकसित थी उसका नमूना हमें उनके बनाए गए बौद्ध विहारों के माध्यम से तथागत की मूर्ति के माध्यम से हमें दिखाई देता है यानी तथागत तो साक्षात उस काल में थे ही थे और वो ज्ञान अकेले को नहीं तो उन्होंने सभी लोगों को बताया और उसी के आधार पर तथागत गौतम बुद्ध का यह धम्म पूरी दुनिया में प्रसारित होने लगा और सम्राट अशोक आते आते हम देखते हैं कि उन्होंने अपने बेटा बेटियों को भिक्को भिकोनी बना करके एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया था और उस क्रांतिकारी कदम से काफी कुछ बदलाव और सुधार भी आया आप जानते हैं कि उसी बोधि वृक्ष के नीचे जिन्होंने तथागत गौतम तो तो बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वो पीपल का वृक्ष बाद में वह बोधि वृक्ष कहलाया आज वह बहुत ही पूजनीय हो गया रिस्पेक्ट करते हैं लोग उनका इवन आप देखेंगे बोधगया में तो उस पेड़ की बोधि वृक्ष की एक एक पत्तियाँ भी गिर जाए तो लोग उसे उठा लेते हैं इतनी अटूट श्रद्धा हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलते उन्होंने बड़ा ही विशाल विहार का निर्माण किया स्मारक का निर्माण किया और वह मानव कल्याण के लिए कैसे काम आ सकता है उसके लिए पूरा पूरा जो देने की कोशिश की गई तो हम देखते हैं कि जो वहाँ पर बना हुआ विहार है वहाँ पर बहुत ही सुंदर मूर्ति बनेगी ये तथागत गौतम बुद्ध की और वो मूर्ति जो कि आप जानते हैं कि उन्होंने ध्यान साधना का अभ्यास करके ज्ञान को प्राप्त किया और एक दिन नहीं तो लगातार कंटिन्यूसली महीने महीने भर डेढ़ डेढ़ महीने भर तक उन्होंने अभ्यास करके उसे प्राप्त किया और इसलिए तथागत का यह धम्म हमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज देखने के लिए मिलती है लेकिन वह एक सुंदरीकरण हो जाए एक आर्ट निर्माण हो जाए एक कौशल्य निर्माण हो जाए एक इमारत निर्माण हो जाए उसका अशोक ने पूरा पूरा ध्यान रखा क्योंकि वह सम्राट था उस सम्राट की एक खासियत थी कि वह अधिकतर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने पर अपना समय देते थे तो वह विरासत जहाँ पर एक स्मारक था जहाँ पर तथा गौतम तो तो की मूर्ति बनी थी बड़ा सा एक विहार के रूप में एक मुनास्ती के रूप में हमें वहाँ पर जो आकृति है वो देखने के लिए मिलती रहती है क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज है इसलिए इस बोधग्या में दुनिया भर के लोग आते हैं चाहे वो अमेरिका हो जर्मनी हो जापान हो इंग्लैंड हो कनाडा हो रूस हो ऑस्ट्रेलिया हो चीन हो थाईलैंड वियतनाम म्यांमार कंबोडिया लाओश ऐसे कंट्री के लोग यहाँ पर बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं क्योंकि ये श्रद्धा भाव तथागत गौतम बुद्ध के उस समय के काल का एक बहुत अच्छे काम करने की वजह से उन्हें वो पद प्राप्त हुआ वो फल प्राप्त हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ये सब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए करने की कोशिश की तो वहाँ का जो विहार है पत्थरों से बना हुआ है बड़े मज़बूत पत्थरों से बना हुआ है उसके इर्द गिर्द दीवालों पर तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति प्रतिबिंब प्रतिबिंबित की गई है जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वो वृक्ष, जो कि अभी भी वह हमें दिखाई देता है हजार साल पुराना उसी वृक्ष की शाखा उस पत्ती, जो दुनिया भर के लोग वहाँ पर आकर उसे ग्रहण करते हैं या लेते हैं ये उस काल में बनाया गया एक बड़ी इमारत वहाँ पर आप देख सकते हैं उनके पैर जो कि वहाँ पर वो चक्रमण किए थे तो चक्रमण करने की वजह से उनके पैर को संबारिक रूप से वहाँ पर रखा गया है उनकी आकृति कुरे दी गई है जातक कथाओं का वर्णन बोधिशत्व का वर्णन तो आप हर स्तूप चैत्र विहारों में देख पाएंगे वह हमें अनिवार्य रूप से देखने के लिए मिलते रहती तो ये तथागत गौतम बुद्ध के काल में जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर बोधि प्राप्त करके एक नई धम्म की क्रांति की शुरुआत उन्होंने की और यही प्रभाव पूरे संसार भर में हमें देखने के लिए मिलते रहता है और जब ये अशोक के द्वारा बनाया गया तो अशोक और अशोक की बेटा बेटियों ने जो श्रीलंका में जाकर प्रचार प्रसार किया तो वहाँ के लोगों ने भी भारत में आकर के कई जगहों पे आप देख सकते हैं कि अनागरिक धम्मपाल जो कि एक श्रीलंका से आए थे और भारत के ही जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने ये प्रयास किया तो उस एरिया में बहुत सारे ऐसे विवाह चेत स्तूप निर्माण किए गए और वो निर्माण करने की वजह से ही वहाँ पर आरामदायक सभी काम संपन्न हो सका इसलिए संगमित्रा ने वहाँ की बोधि वृक्ष की शाखा श्रीलंका में जाकर रोपीत की थी और जगह जगह आप देख सकेंगे कि कितने सारे उस जगह में एक विहार बनाया गया चाहे वो जापान का हो श्रीलंका का हो म्यांमार का हो लाओस का हो कम्बोडिया का हो बांग्लादेश का हो अलग अलग कंट्रीज़ के जो श्रद्धावान उपासक उपासिका हैं उन्होंने उसी जगह कई सारी मनास्तियाँ बनाई उस मुनासे में लोग रहते हैं रायल मुनास्ती थाई मुनास्ती जिसे कहा जाता है ऐसे कई बौद्ध विहारों का निर्माण उस बोधग्रह में हुआ चूँकि वहां पर पूरे दुनिया के लोग आते हैं और आकर के अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं उस बोधि वृक्ष को जहाँ तथागत ने ज्ञान प्राप्ति की उस बुद्ध को जिन्होंने वहाँ पर रहते हुए बुद्धत्व तो प्राप्त कर लिया और उसकी अपनी खुद की ताकत से उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया है इसलिए श्रद्धा का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में श्रद्धा का बल बहुत बड़ा बल कहलाता है और उन्होंने ये सब काम बोधगया में अलग अलग जगह रहते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा उससे पास में शिनानी ग्राम है उर्वेला जो वहाँ पर नदी बहती थी वह है और उसके इर्द गिर्द काफ़ी जंगल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे तो यह बोध गया जो कि बहुत ही प्रसिद्ध स्थान जहाँ पर बहुत सारे लोग आ, विजिट करने के लिए आए कई वर्षों से और अभी दिनों दिन उस स्थान की गरिमा बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि लोग बड़ी संख्या में बोधिया बोधगया गया करके वहाँ पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं अभिवादन करते हैं अपने आप को वहाँ धन्य मानते हैं क्योंकि ये कोई साधारण सिद्धांत नहीं है एक बड़ा सिद्धांत जो तथागत तो गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया है जब आप वहाँ देखेंगे म्यूजियम में भी तो आपको बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई देगी तथागत गौतम बुद्ध के उस धमक को जब अंगीकार किया सम्राट अशोक ने तो कई सारे ऐसे विहार चैत्य स्तूप का निर्माण करवाया जो बाद में कायांतर में खंडर का रूप ले लेते हैं या कहीं तोड़ दिए जाते हैं लेकिन फिर भी बौद्ध गया में आपको आदम का तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखाई देगी जो वहाँ एक पवित्र स्थान के रूप में मानने की वजह से उसकी गरिमा अपने आप बनती है वहाँ पर लाखों की संख्या में विदेशी आते हैं वो भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं ज्ञान की प्राप्ति की थी और ज्ञान की प्राप्ति करके उन्हें ईश्वर के लेवल पर उस धम्म को सम्राट अशोक ने जब पहुँचाया तो उन्होंने बड़ी ही सुंदर ढंग से चित्रकारिता के साथ बड़ी मजबूती के साथ में उन्होंने उस काल का में विहार मुनासी का निर्माण करवाया जो कि लोगों के धर्म प्रचार प्रसार के लिए एक बड़ी मदद मिली थी और इसलिए बोधगया कोई साधारण स्थान नहीं है बोधगया वह स्थान जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को बोधी प्राप्त हुई लगातार महीनों तक दो महीनों तक तीन महीनों तक वो धर्म के अभ्यास करने में लग जाते थे पक्के बनते थे मजबूत बनते थे और इसलिए बोध गया से उनको अधिक लगाव भी था इस उम्मीद के साथ कि उन्होंने वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति की है क्योंकि बुद्ध धर्म में मूर्ति को नहीं बल्कि मनुष्य को ज़्यादा स्थान दिया गया है आचरण पर इस्तान, को स्थान दिया गया है जो जितना अधिक आचरण करेगा उतना अच्छा बनेगा और इसीलिए यहाँ पर बहुत साल पुरानी जो धरोहर है वह हमें चारों तरफ देखने के लिए मिलते रहती है इसलिए अब यह कोई छोटा स्थान नहीं है यहाँ पर बड़े 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 लोग उस काल में जैसे तथागत तो गौतम बुद्ध के दर्शन करने के लिए आते थे उनके महापरिनिर्वाण के बाद यही अशोक को उनके विभिन्न स्थानों की बड़ी चिंता लगी उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर डिज़ाइन किया और कहाँ पे द्वार होना चाहिए कहाँ पर नहीं होना चाहिए किस जगह चक्रवान करने के लिए पूजा करने के लिए स्थान होना चाहिए इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस धर्म को एक प्रासंगिक मानते हुए आप देखेंगे तो लोग दुनिया भर के लोग अभी भी उनको पढ़ते हैं आत्मसात करते हैं अनुभव करते हैं और समझते कि ये स्थान बहुत पवित्र स्थान है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध लगातार कई दिनों से वहाँ पर बैठ कर के उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी और अशोक ने वहीं सी जगह को चिन्हित करके वहाँ पर स्तंभ और विहार का निर्माण करवाया उस काल में उतनी बड़ी इमारत और बहुत ही मजबूती के साथ बनना ये बड़ा काम था पत्थरों पे सही में श्रद्धा उतारी गई है पवित्रता उतारी गई है जीवन शैली उतारी गई है और इस तरह से मनुष्य अपने जीवन काल में एक श्रेष्ठ जीवन को मानते हुए वह आचरण करते हुए उन्होंने उसी जगह को मुख्य रूप से देखा इसलिए आप जानते हैं कि जब नालंदा पढ़ने के लिए क्योंकि बोधगया से नालंदा की दूरी भी बहुत अधिक नहीं है वहाँ पर नालंदा में हेनसांग फाइयांग सिंह जैसे बहुत ही प्रसिद्ध और ग्रेट वेनरेबल जब पढ़ने के लिए आए तो आप जानते हैं कि उन्होंने भारत का विभिन्न विभिन्न जगह में उन्होंने भेंट की और उन्होंने जैसा था वैसा उन्होंने देखा और देखने की कोशिश की कि हाँ यहाँ पर विहार है यहाँ पर चैत्य है यहाँ पर स्तूप है यहाँ पर उपोषित हाल है यहाँ पर साला है अलग अलग तरह से वर्णन करके देखा और वही चीज़ें आप देखते हैं कि जब भारत के अंदर में इन स्थानों की अच्छी तरह से खुदाई की गई तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ एक बड़ा सा विहार के रूप में दिखाई देने वाला यह स्थान मिल पाया जिसके अंदर में इतना पुराने होने के बावजूद भी वह अपने वास्तविकता को दिए हुए प्राचीन के बाद भी वह हमें नया प्रतीत होता है इसलिए यह स्थान आज भी पूरे दुनिया में श्रेष्ठ का श्रेष्ठता के लिए तथागत गौतम बुद्ध के निर्वाण स्थान के लिए ज्ञान प्राप्ति के स्थान के लिए यह पूरी तरह से जाना जाता है जिसको मजबूती देने के काम सम्राट अशोक हमेशा करते आए हैं उनका संकल्प ही था कि मैंने पूरे विश्व में अलग अलग जगह में धर्म प्रचार प्रसार करके वहाँ पर स्तूप चैत्य पगोड़ा और विहारों का निर्माण करना है इसके लिए वो लगातार प्रयत्नशील रहा करते थे उन्होंने वही काम किया एक स्थानों पे नहीं तो बहुत सारे स्थानों पर जा जा करके वो लगातार इसे करने पर जोर दिया करते थे उनमें से ही एक जो उन्होंने कई अनेक तो निर्माण किए उनमें से ही एक आपको देखने के मिलेगा यही है तथागत गौतम बुद्ध के धर्म का जो कि प्रमुख स्थानों में से माना जाता है जहाँ पर उनका जन्म हुआ लुम्बिनी जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वह है बोधगया और जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने पहली देशना दी वह सारनाथ और जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ वह है कुशीनारा पटना बिहार खुशीनारा चूंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आता है लेकिन बोधगया यह बिहार का भाग है और आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व का जन्म वहाँ पर जिसे हम बोधि कहते हैं जन्म लुम्बिनी लेकिन बुद्धत्व तो का जन्म हम देखते हैं यानी सिद्धार्थ गौतम सम्यक बुद्ध बने उनका जन्म यह बौद्धगया में दिखाई देता है यह बौद्धगया जो कि प्राचीन ज्ञान की नगरी माना जाता है जहाँ पर अनेक जो श्रद्धालु है जिनके मन में श्रद्धा है बुद्ध धर्म और संघ के प्रति वह लगातार वहाँ पर आकर के उसे भेंट देते रहते हैं तो आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में विदेशी भी वहाँ पर इस स्थान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आते हैं और कई लोगों ने तो इस स्थान को पवित्र मानकर वहीं पर मुनास्ती बना ली अब देखेंगे कि श्रीलंका है म्यांमार है लाओस है कम्बोडिया है वियतनाम है जापान है और भी अन्य राष्ट्र जहाँ पर जिसकी जो श्रद्धा हुई उनको लगा कि यहाँ पर ये निर्माण होना चाहिए तो उन्होंने पूरी तरह से उसी जगह पर बहुत कुछ विहार निर्माण किए और ये विहार सभी सुंदरता के प्रतीक है तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ जिस स्थान पर और वो स्थान सही में किस तरह से अपने आप को एक आदर्श के रूप में जानने के लिए प्रेरित करते रहता है क्योंकि वह स्थान जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध स्वयं चक्रमन किए बैठकर ध्यान साधना की चिंतन मनन किया उनके एकाग्रता जागी और कई सारे ऐसे जो ज्ञान है उनको प्राप्त होने के बाद में हम जानते हैं कि वो उस स्थान को हमेशा धनी मानते हैं पूजा का स्थान माना जाता है और ये चीज़ें आप बोध गया के अंदर में देख सकते हैं कि कितने रोज सुबह से शाम तक बड़ी लंबी कतार में लोग श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उसी जगह आते जहाँ पे सम्राट अशोक ने विहार निर्माण किया है साक्षात वृक्ष जिसके नीचे में बहुत सारे लोग आकर के ध्यान करते हैं चिंतन मनन करते हैं ध्यान के माध्यम से वह अपने मन को पीसफुल बनाते हैं कई जगह जो लोग हैं वहीं पर क्यों चुनते उसका कारण है क्योंकि यही स्थान है जहां पर सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त करने के लिए मदद मिली है इसलिए उनको लगता है कि ये माटी उपजाऊ है ये माटी ऐसी तरंगों से भरी पड़ी है जहां पर स्वयं तथागत गौतम बुद्ध ने कई समय बिता करके वह ज्ञान को प्राप्त किया ज्ञान मतलब सुप्रीम नॉलेज जो हैप्पीनेस की सबसे बड़ी अवस्था है पीस की बड़ी अवस्था है जो खास करके हमें इस चार आर्य सत्य के अंदर में देखने के लिए मिलती है जो उच्च किस्म की शिक्षाएं रहती हैं तो वही ज्ञान तथागत गौतम बुद्ध का इसी जगह में उनको अनुभव प्राप्त हुए और स्वयं उन्होंने कहा कि अब मुझे जानना है तो बुद्ध जाना जाए किसी ने पूछा आप बुद्ध है किसी ने पूछा आप देव है किसी ने पूछा आप मनुष्य हैं लेकिन उनका एक ही उत्तर था मैं बुद्ध हूं बुद्ध बन गए तो बुद्ध बनने के बाद आप देख देख सकते कि उनकी दीवनचर्या कैसी बनी रहती है इसलिए बोध गया से ही बुद्ध निर्माण हुए इसलिए उसका नाम ही बोध जहां प्राप्त हो ज्ञान उस स्थान को ही बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है तो ये स्थान संसार के अलग अलग देशों में श्री प्रसिद्ध हो गया क्योंकि इस स्थान में तथागत गौतम बुद्ध स्वयं कई दिनों तक ध्यान तपस्या करके उन्होंने यह ज्ञान अर्जित कर लिया और स्वयं बताते हैं कि मुझे ऐसे अचानक से नहीं प्राप्त हुआ बल्कि मैं ध्यान की सभी अवस्था को गुजर करके और जिन कारणों से मनुष्य दुखी होता है वह है तृष्णा तृष्णा के मूल को ही मैंने काट दिया वो स्थान था क्या जहाँ पे तृष्णा को मैंने काट करके उसे समाप्त कर दिया और बोधि चित्त मेरे मन में निर्माण हो गया तब से मैं इस स्थान को बोध गया के नाम से जानते हैं बोधि वृक्ष हैं जिसकी बहुत ही श्रद्धा के साथ में लोग पूजा करते हैं वहाँ पर लोग आकर के दान देते हैं अलग अलग प्रकार के जो उपासक और उपासिकाएँ हैं बौद्ध भिक्खु भिक्खुरियाँ हैं आपको बोध गया में एक बड़ा जमावड़ा देखने के लिए मिलेगा वह निश्चित रूप से तथागत जैसे बनने के लिए वहां पर वो प्रयास करते रहते हैं मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर में ये सभी प्रकार की गुंजाइश भी है अच्छे काम करने के लिए बुरे काम करने के लिए और बोध गया हमेशा वह सिद्धार्थ को बोधि प्राप्त करने के लिए जो जमीन तैयार हुई जो वातावरण मिला वो वातावरण स्वाभाविक तौर पे उन्हें आगे की बढ़, बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा था इसलिए बोध गया ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्वयं तथागत गौतम बुद्ध ने उसे उन्हें लगा कि उचित जगह है यहाँ पर ये अभ्यास किया जा सकता है और अभ्यास करके मैं बोधि को प्राप्त कर सकता हूँ इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस ज्ञान प्राप्ति के स्थान को जो बुद्ध गया के नाम से पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ और प्रसिद्ध हो के आज भी वह स्थान उतना ही आकर्षक है उतना ही प्रसिद्ध है उतना ही उसकी ख्याति प्राप्त है जो मैंने आप लोगों को देशना के माध्यम से बुद्ध गया के बारे में बताया आप सभी लोग सुखी हो स्वस्थ रहें सुख शांति आपको मिले ऐसी में मंगल कामना करते हुए बहुत उषभ भंते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को तथा हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपने समय निकाल कर हमारे हमारे दर्शकों को अनुग्रहित किया है तो साथियों आज ही इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें आपके मन में भी जो प्रश्न हों जो जिज्ञासाएँ हों वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी आई सुभारती बुद्धा ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर आप पूछ सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे जैसा कि आप एक बात और भी जानते हैं कि हजारों लाखों दर्शकों तक के प्रश्नों के उत्तर अब तक हमारे एक्सपर्ट हमारे भंते जी लोग दे चुके हैं तो आप भी उसका एक हिस्सा बन सकते हैं तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे नमो बुद्धाय नमो भगवतो अरहतो